बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रेजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले में हमारे खित्ते और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और जमशुदा अज़ला को एक दफा फिर किसी की जंग में ईंधन बनाया जाएगा। मैंने जैसे ही रेजीम चेंज ऑपरेशन हुआ मैंने आपको आगाह भी किया और आपको इन खतरात के हवाले से बताया भी। फिर आपने अगस्त के महीने में देखा कि हमारे खतरात जो हमें खदशात थे वो हकीकत में बदले और मलाकन डिवीजन के लोगों को हमने अमन के लिए निकाला, उन्होंने अपने अमन को खुद यकीनी बनाया। फिर उसके बाद और आपको ये भी पता है कि इमरान खान की हुकूमत इसलिए हटाई गई थी कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बोला था कि हमने पाकिस्तान को और अपने लोगों को किसी की जंग में ईंधन नहीं बनाना। और फिर उसके बाद यही लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए जो हमेशा से किसी ग्रेटर गेम प्लान में अपने लोगों को ईंधन बनाते हैं। इसके हवाले से आपको इंटीरियर मिनिस्टर के बयान, वो प्रेस रिलीज भी आपके सामने हैं कि जब हम खदशात का इजहार कर रहे थे, जब हम हालात को हादसात बनने से पहले बता रहे थे, उस वक्त उन्होंने एफआईआर भी दर्ज किए, गद्दारी के फतवे भी लगाए, बगावत के मुकदमे भी कायम किए और इन्होंने इसको झूठ और प्रोपेगंडा करार दिया। आज वजीरिस्तान और लकी मरवत में हालात आपके सामने हैं और इनका जो इलामिया है वो उसकी गवाही देते हैं जो हमने आपको पहले आगाह किया था। हमारा पहला सवाल है कि इन हालात का जिम्मेदार कौन? यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं और जरूरी समझता हूं अपने कौम को बताना कि अरशद शरीफ शहीद ने अपनी जिंदगी में मुझे आगाह किया था, वार्न किया था कि जिस इशू को आपने उठाया है, जिस तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले में ग्रेटर गेम प्लान के हवाले से आप बात कर रहे हो, अमन को और अपने लोगों को महफूज बनाने के लिए बात कर रहे हो, ये फैसले ऑलरेडी हो चुके हैं और ये आपके पीछे आएंगे। फिर इसके बाद आपको याद होगा कि हम इससे सवाल करते थे, उसके हुलिये में लोग हमारे सामने आते थे, उनसे सवाल करते थे और इनके हुलिये में लोग हमारे सामने आते थे। फिर मैंने प्रेसिडेंट को खत भी लिखा, मेरे घर असलाह बरदार मोटरसाइकिल सवार भी आए। इसके अलावा मुख्तलिफ जो सबूत है मैंने प्रेसिडेंट साहब को अपने खत में उनसे आगाह किया। लेकिन चंद दिनों से मेरे पाकिस्तानियों, चंद दिनों से मुस्तनद ज़राए से खबरें आ रही है और वो कह रहे हैं कि सीरियस लेवल के थ्रेट्स हैं, वो रास्ते से हटाना चाहते हैं, उनके इरादे ठीक नहीं है और इसलिए ठीक नहीं है मेरे पाकिस्तानियों और अमन के लिए आवाज उठाने वालों के हमने इनका ग्रेटर गेम प्लान मलाकन डिवीजन में एक्सपोज भी किया और नाकाम भी बना दिया था, तो इसीलिए रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे मुखातिब हूं, ये जंग मेरी नहीं, ये मेरी जाती जंग नहीं। आपके आपके घर से कोई बेघर ना हो, आपकी जो इज्जतदार माएं बहने बेटियां हैं वो फिर कहीं कैंपों में जिंदगी ना गुजारे, आपके बुजुर्ग किसी दूसरे के गोली का निशाना ना बने, किसी और के गेम में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद ना हो, ये आपकी जंग है, आपने इसकी आवाज उठाना है, आपने अमन के यकीनी बनाना है। जिस तरह आप हकीकत आजादी के लिए पाकिस्तान के कड़े कि हमने किसी की गुलामी नहीं करनी, हमने रेजीम चेंज ऑपरेशन नहीं मानने, हमने किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना, इसी तरह आपने अपने अमन को यकीनी बनाना है। चीजें बिल्कुल आपके सामने वाजे हैं, वो तमाम वीडियोज और सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए, मई जून के बाद जो जुलाई से मैं आपसे बात कर रहा था वो देखिए और इनके इरादे देखिए, आपके सामने तमाम गेम एक्सपोज हो गया हो जाएगा। हमने आपने बगावत के मुकदमे किए, आपने दहशतगर्दी के मुकदमे किए, हमारे अमन के आवाज उठाने पर आप कुछ भी कर ले, हम तो अपनी जरूरत जारी रखे हुए हैं, हम अपनी जरूरत जारी रखेंगे। लेकिन मेरे पूरे पाकिस्तान के हर शहरी हर कौम से ताल्लुक रखने वाले, मैं आपसे मुखातिब हूं कि आपने अपने अमन पे कंप्रोमाइज नहीं करना, आपने किसी की जंग का ईंधन नहीं बनना, आपने किसी ग्रेटर गेम प्लान का हिस्सा नहीं बनना। अपनी आंख और कान खुले रखो, कोई आपको इस्तेमाल ना करे, उसका भी हमने सोचना है।